हे गाइज वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। और गाइज आज के इस वीडियो के अंदर जो हम Redmi Note 7 सीरीज और Redmi Note 8 सीरीज के बारे में जो है बात करने वाले हैं, क्योंकि यार आप लोगों को पता होगा Redmi Note 7 सीरीज के अंदर 7 एंड 7S 7 Pro के अंदर भी काफ़ी दिनों से जो कोई भी अपडेट जो देखने को नहीं मिल रहा है। और इवन गाइज यहाँ पर जो Redmi Note 8 सीरीज के अंदर Redmi Note 8 तो यार यहाँ पर इंडिया के अंदर जो लॉन्च किया है या फिर नहीं, ये तो शॉमी वाले भूल ही चुके हैं, क्योंकि यार अदर कंट्री के अंदर जो काफ़ी यार इस डिवाइसेस के लिए जो पर्टिकुलर डिवाइस को जो अपडेट मिल रहे हैं। इवन गाइज Redmi Note 8 Pro की बात करें तो Redmi Note 8 Pro के लिए भी जो यहाँ पर जो है बाकी के अदर रीजन के अंदर जो काफी अपडेट जो देखने को मिल चुके हैं, बट इंडिया के अंदर जो काफी डिले देखने को मिल रहा है। यहाँ पर स्पेशली बात करें Redmi Note 7 की तो 7 सीरीज के अंदर भी यार काफी जो यहाँ पर जो है अपडेट जो डिले देखने को मिल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन डिवाइसेस के लिए जो कौन से अपडेट जो अपकमिंग अपडेट देखने को मिलने वाले हैं ये जो है आप लोगों को बताने वाला हूँ। और इसमें जो MIUI वर्जन कौन सा होने वाला है इसके बारे में बात करेंगे, इसके अंदर जो कौन सा अपडेट आएगा, इसमें क्या कुछ फीचर होंगे ये भी जान लेंगे। तो गाइस चलिए फटाक से जो वीडियो को जो शुरू कर लेते हैं। तो आ चुके हम जो अपने मोबाइल स्क्रीन के ओर पे और यहाँ पर जो है आप लोगों को सब कुछ जो MIUI एक्स के ऐप के अंदर दिखाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो पर्टिकुलर डिवाइस का नाम डालने पर सभी रीजन के रोम आप लोगों को अपडेट यहां पर शो कर देता है। तो यहां पर जो Redmi Note 7 लिखा है स्टेबल रोम के ऊपर मैं जैसे क्लिक कर देता हूं, तो गाइस यहां पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं इंडिया के अंदर MIUI 12.0.2.0 अभी जो रन कर रहा है डिवाइसेस के अंदर इंडिया के अंदर। चाइना की बात करें तो 12.0.3.0 चल रहा है, रशिया के अंदर 12.0.2.0, दैट मीन्स कि इंडिया के अंदर और रशिया के अंदर सेम ही यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो सभी जो एंड्रॉयड 10 के ऊपर रन कर रहे हैं, क्योंकि यार इसके अंदर जो एंड्रॉयड 11 जो सपोर्ट नहीं है और इसके अंदर जो एंड्रॉयड 11 का अपडेट भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, ये जो मैं पहले ही बता देता हूँ। तो गाइज अपकमिंग अपडेट की बात करें तो वर्जन की बात करें तो यहाँ पर जो आप लोगों को MIUI 12.0.3.0 का बिल्ड नंबर देखने को मिल सकता है, और जिसके अंदर जो गाइज आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा, बाकी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। एज इट इज़ सब कुछ सेफ, मतलब सेम ही रहेगा, थोड़े बहुत जो बग्स फिक्सेस हो जाएंगे ऐसा लिखेगा, बट हमें भी पता है कि गाइज इसके अंदर जो कोई भी ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है आप लोगों को बिल्ड नंबर चेंज देखने को मिलेगा, जिसके साथ जो आप लोगों को सिक्योरिटी पैच का अपडेट जो है देखने को मिल सकता है जो कि Redmi Note 7 के लिए। तो गाइज यहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि यार Redmi Note 7 7S 7 Pro के लिए, तो यार यहाँ पर जो 7S एंड 7 Pro के लिए जो है बात करते हैं, तो गाइस 7S एंड 7 के अंदर जो सेम ही आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो Redmi Note 7 Pro की बात करें तो 7 Pro इंडिया के अंदर तो अभी तक जो कोई भी अपडेट जो है काफ़ी दिनों से देखने को नहीं मिल रहा है, तो फिलहाल जो चेक कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ इंडिया के अंदर काफ़ी दिनों से इस डिवाइसेस के लिए भी अपडेट देखने को नहीं मिल रहा, जो कि 12.0.4.0 के ऊपर एंड्रॉयड 10 के ऊपर ही रन कर रहा है, और इस डिवाइसेस के अंदर भी आप लोगों को एंड्रॉयड 11 का अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यार आप लोगों को पता होगा कि MIUI 12.5 जो चाइना के अंदर जो है यहाँ पर रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि कुछ रैंडमली यूजर्स को देखने को मिल चुका है। तो यार ये जो बीटा स्टेज पे था चाइना के अंदर, बट यार यहाँ पर जो है आप लोगों को मैं बता दूँ रैंडमली यूजर्स को वहाँ पर मिला है, और उसके बाद जो गाइज उसके अंदर भी एंड्रॉयड 10 ही देखने को मिला है, दैट मीन्स कि इंडिया के अंदर भी एंड्रॉयड 10 ही देखने को मिलेगा। और मैं पहले ही बता दिया हूँ कि Redmi Note 7 सीरीज के अंदर कोई भी डिवाइस को एंड्रॉयड 11 का अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, ये जो शॉमी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड होता है कि एक ही डिवाइस को एक से दो अपडेट देखने को मिल जाते हैं एंड्रॉयड के, तो उसके लिए जो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। बट आप लोगों को मैं बता दूँ तो इंडिया के अंदर जो MIUI 12.5.1.0 जो कि अभी चाइना के अंदर चल रहा है, वो जो इंडिया के अंदर आने में जो काफ़ी टाइम लगेगा, लगभग जो एक मंथ लग सकता है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ जुलाई के एंड तक जो आप लोगों को इंडिया के अंदर ये अपडेट आ सकता है, बट ये जो है डायरेक्टली आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, कुछ रैंडमली यूजर्स को जो है सिलेक्ट करेगा और आप लोगों को जो है कुछ रैंडमली यूजर्स को ही देखने को मिलेगा। तो उससे पहले जो गाइज आप लोगों को जो इंडिया के अंदर जो 12.0.6.0 का अपडेट जो इंडिया के अंदर जो है देखने को मिल सकता है, मतलब यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर इंडिया के अंदर 12.0.5.0 अवेलेबल है, दैट मीन्स कि इंडिया के अंदर 12.0.6.0 का एक अपडेट देखने को मिलेगा, जिसमें जो है सिक्योरिटी वगैरह थोड़ा बहुत जो आप लोगों को देखने को मिलेगा अपडेट हो जाएगा, बाकी जो बग्स फिक्सेस वगैरह सब कुछ जो है MIUI 12.5 के अपडेट के बाद ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी इस डिवाइसेस की बात क्लियर हो चुकी है, और ये जो है जुलाई के एंड तक जो है आप लोगों को 12.5 जो है इंडिया के अंदर शायद से देखने को मिल सकता है। रही बात ग्लोबल के अंदर, तो ग्लोबल के अंदर भी जो है आप लोगों को तुरंत ही देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो थोड़ा सा डिवाइस जो मतलब पुराना हो चुका है उसके वजह से जो आप लोगों को इसके अंदर जो थोड़ा सा जो अपडेट जो है डिले देखने को मिल सकता है। तो गाइस यहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पर मैं जो आप लोगों को दिखा दूँ Redmi Note 8 सीरीज के अंदर,
तो गाइज यहाँ पर जो है Redmi Note 8 की बात करें तो यार Redmi Note 8 के अंदर जो कौन से रोम अभी चल रहे हैं ये भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हैं कि Redmi Note 8 तो इंडिया के अंदर सब कुछ भूल ही चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं रशिया है, ग्लोबल है, यूरोप है, ग्लोबल है, यूरोप है, चाइना है, इंडिया काफ़ी नीचे देखने को मिल जाता है, जो कि यार 12.0.2.0 के ऊपर अभी फिलहाल चल रहा है। और इसके अंदर जो यार एंड्रॉयड 10 ही रन कर रहा है चाइना के अंदर, तो इसी सेम पर्टिकुलर डिवाइस को एंड्रॉयड 11 का अपडेट देखने को मिल चुका है। बाकी कोई भी रीजन में जो आप लोगों को एंड्रॉयड 11 का अपडेट देखने को नहीं मिला है, बट यार यहाँ पर अपडेट तो प्रोवाइड कर रहा है, जैसे ग्लोबल के अंदर वगैरह यूरोप के अंदर आप लोगों को ये जो अपडेट जो है इंडिया के मुकाबले जो यहाँ पर इन बाकी रीजन के अंदर जो अपडेट तो देखने को मिल रहा है। यार इंडिया के अंदर Redmi Note 8 पूरा जो है यार बर्बाद कर दिया है Xiaomi ने, पूरा बक्स से भरा पड़ा है, लेकिन अभी तक भी कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूँ, तो गाइज इंडिया के अंदर जो है अपडेट देखने को नहीं मिलता है, तो यार आप लोगों को अपकमिंग अपडेट की बात करूँ तो यहाँ पर जो डायरेक्टली आप लोगों को एंड्रॉयड 11 का अपडेट तो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यार Xiaomi का पता है अभी तक अपडेट कोई भी नहीं मिला है, नॉर्मल सा अपडेट सिक्योरिटी का भी नहीं मिला, तो डायरेक्टली एंड्रॉयड 11 से कहाँ से आएगा एंड्रॉयड 11 का अपडेट। तो इंडिया के अंदर जो 12.0.2.0 चल रहा है, तो आपको जो है 12.0.3.0 का एक स्टेबल अपडेट देखने को मिल सकता है, उसमें जो यार काफ़ी ज़्यादा बग्स देखने को मिल रहे हैं, तो इसकी वजह से जो आप लोगों को उसके अंदर जो है 12.0.3.0 के अंदर थोड़े से बग से फिक्सेस देखने को मिल सकते हैं, और तो और आप लोगों को जो है सिक्योरिटी पैच का अपडेट भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो आप लोगों को जो है नेक्स्ट अपडेट के अंदर जो एंड्रॉयड 11 देखने को मिल सकता है इंडिया के अंदर, गाइस ये जो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। अभी जो है डायरेक्टली एंड्रॉयड 11 का अपडेट आप लोग अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं, डायरेक्टली एंड्रॉयड 11 का अपडेट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। पहले जो एक अपडेट आएगा उसके बाद जो सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ बग फिक्सेस हो जाएंगे, उसके बाद जो एंड्रॉयड 11 का अपडेट इंडिया के डिवाइस के लिए Redmi Note 8 के लिए देखने को मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पर नेक्स्ट डिवाइस की बात करिए जो कि Redmi Note 8 Pro है, तो Redmi Note 8 Pro के अंदर भी सेम यार यहाँ पर दिक्कत चल रही है। यहाँ पर मैं आप लोगों को स्टेबल रोम के ऊपर क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया के अंदर 12.0.5.0 का अपडेट चल रहा है विथ एंड्रॉयड 10 के ऊपर, गाइज जी हाँ गाइज यहाँ पर एंड्रॉयड 10 ही यहाँ पर चल रहा है। ग्लोबल की बात करें तो 12.0.8.0 वहाँ पर चल रहा है, बट यहाँ पर इंडिया के अंदर अभी तक जो कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला न्यू अपडेट, और रशिया के अंदर भी सेम ही आप लोगों को देखने को मिल जाता है। इवन गाइज यहाँ पर जो है चाइना के अंदर आप लोगों को बता दूँ तो एंड्रॉयड यहाँ पर जो है 11 के साथ जो आप लोगों को MIUI 12.5 का अपडेट जो है यहाँ पर रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है Redmi Note 8 Pro के डिवाइसेस के लिए, बट इंडिया के अंदर अभी तक जो है अपडेट कोई भी देखने को नहीं मिला है गाइज। और इंडिया के अंदर अभी फिलहाल जो 12.0.5.0 चल रहा है, और यहाँ पर जो यूरोप की बात करें तो 12.0.6.0 विद एंड्रॉयड 10 के ऊपर रन चल रहा है, मतलब ये जो डिवाइस के अंदर चल रहा है। तो यार आप लोगों को मैं बता दूँ तो यहाँ पर जो आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट जो है Redmi Note 8 Pro के यूजर्स के लिए जो 12.0.6.0 का देखने को मिल सकता है, और उसके साथ जो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पैच और थोड़े बहुत जो बग्स फिक्सेस देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेट के बाद जो है आप लोगों को ये अपडेट जो भी आएगा उसके बाद जो है आप लोगों को शायद से जो है ये जो है एंड्रॉयड 11 बेस जो कि MIUI 12.5 का अपडेट है ये जो देखने को मिलेगा। फिलहाल ये जो चाइना के अंदर है, उसके बाद जो ग्लोबल के अंदर आएगा, ग्लोबल के अंदर आने के बाद आप लोगों को इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। ये तो आप लोगों को पॉलिसी पता ही होगी कि Xiaomi की इस तरीके से ही अपडेट आते हैं, तो आप लोगों को ये अपडेट आने में भी काफ़ी देर लग सकती है गाइस, लगभग 1 से 1.5 महीना लग सकता है। तो आप लोगों को उससे पहले जो एक अपडेट देखने को मिलेगी जो कि स्टेबल बेस होगी 12.0.6.0 या फिर 7.0 देखने को मिल सकता है यहाँ पर बिल्ड नंबर। तो यार दैट्स इट गाइस, बस इतना ही आप लोगों को बताना चाहता था। काफी लोग बोल रहे थे कि अपडेट जो डिले हो चुके हैं इन डिवाइसेस के लिए, तो गाइस आपके डाउट क्लियर हुए होंगे, तो यार प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करके जाना जरूर गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर टिल देन एंड बाय बाय।